प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और मार्च अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई जून जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी इसलिए इस योजना को जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही, कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से
जो भुखमरी के रूप में सदैव आती रही है उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था, इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है, सभी 80,000 कोटी की दुकान में ईपॉस मशीन लगी है, हर ईपॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है, तो पारदर्शी तरीके से सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।